तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप देख ही सकते हो यार, इन सारे पटाखों की हम टेस्टिंग करने वाले हैं। काफ़ी बढ़िया बढ़िया एंड यूनिक यूनिक कलाकर हमने चूज़ किया इस वीडियो के लिए। तो यार वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करना तो लाइक कर दो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो शूट करने में। तो आपका भी बनता है एक लाइक, हक बनता है आपका एक लाइक करने का। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना, चैनल भी सब्सक्राइब करना, कुछ भी नहीं जाता, एकदम फ्री है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो कर दो, 4 लाख सब्सक्राइबर के बहुत करीब है हम। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सबसे पहले जलाने वाले ग्रीन सुतली को देखते कैसे चलता है ये। तो चलिए लगाते हैं इसमें आग। तो यार भाई साउंड काफ़ी तेज है, एकदम औसम था ये सुतली बॉम्ब। अगर आपको पसंद आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका नाम जरूर बताना आप। तो गाइस अब बारी है 555 की, जो कि है टाइम बॉम्ब। इसमें लगाते हैं आग और देखते हैं कैसे चलता है ये। तो भाई लोग अब जलाने वाले मिर्ची बम को, इसको जला के देखते कैसे चलता है। तो ये लो भाई, इसको जला के हो तो लगाते हैं इसमें आग, सामने रखते हैं। ओके भाई, ओके। तो गाइस इसकी भी आवाज़ काफ़ी बढ़िया थी और तेज आवाज़ थी मिर्ची बम की। तो गाइस अब बारी है मीडियम साइज़ की अनार की, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का अनार है। तो चलिए इसको जलाते हैं और देखते हैं कैसे चलता है ये। तो गाइस काफ़ी बढ़िया जली है, 5-6 सेकंड जली है अनार, ठीक ठीक मीडियम साइज़ की थी। आप बताओ आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में। तो अभी तक इसमें आग लग रही है, बुझाते हैं इसको पहले। तो भाई लोग अब बारी है दो फुलझड़ी की, जो कि छोटी साइज़ की फुलझड़ियाँ देख सकते हो, अलग अलग कलर में हमारे पास। तो सबसे पहले इसको जलाते हैं पिंक वाली को और देखते हैं। यहाँ पर हमको दे रखा जलाने के लिए माचिस का, वो आता है सेम। तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया जल रही है, छोटी सी फुलझड़ी है और इसमें से भी गोल्डन रेज निकल रही है एकदम। 3-4 सेकंड जली है, अब जलाते हैं येलो वाली को। तो दोनों सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है क्रैकलिंग का। तो ये थी फुलझड़ियाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्रैकर देखते हैं जला के। तो गाइस अब बारी छोटी वाली चक्री की, देख सकते हो कुछ इस प्रकार की चक्कर है, जो कि एकदम छोटी साइज़ में है। अब देखते हैं किस प्रकार से ये चलती है। तो भाई जलाओ इनको, तो एकदम तीनों को साथ में जला के देखेंगे जल पाती है कि नहीं जल पाती है। तो वैसे यहाँ पर लड़ाई हो चुकी है चक्री होगी। तो कुछ यानी 2-3 सेकंड ही चलिए, 3-4 सेकंड, और तीनों जल चुकी है ना। जली तीनों है, तीनों जली है। एक ठीक थी छोटी छोटी, यानी बॉक्स बढ़िया था यार, बढ़िया थी एकदम ही। तो वैसे अब बड़े चटपट की, देख सकते हो कुछ इस प्रकार का बैंडन बना हुआ है इस पर। इसको जलाते हैं और देखते हैं, दोनों को साथ में लगाते हैं आग। तो भाई जलाओ इनको यहाँ पे। तो गाइस काफ़ी बढ़िया जली है चटपट, दोनों साथ में जली है और काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिला। अभी तक जल्दी है, देख सकते हो ये। तो चलिए नेक्स्ट क्रैकर देखते हैं। तो गाइस अब जलाने वाले ग्रेनेड बॉम्ब को, देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है, प्लास्टिक का इसका कवर है और अंदर सिंपल ही बॉम्ब होगा कुछ। तो देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी होती है, जलाते हैं। तो भाई लगा दे इसमें आग। तो गाइस ग्रेनेड बॉम्ब तो ख़राब निकल चुका है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्रैकर देखते चला के। तो भाई लोग अब बात है कोक ब्रांड की विशेष वाली रॉकेट को, जो कि छोटे साइज़ में आप देख सकते हो, इतना इसका साइज़ है। उसको जला के देखते हैं ये कैसे चलती है। तो भाई इसको जलाओ। तो
तो गाइस ओपी बहुत ही बढ़िया जली है, विस्लिंग भी बजी है और लकड़ी भी जली है। एक और है हमारे पास, इसको भी जलाएंगे। तो भाई लगा दो इसमें आग। तो ये भी थोड़ी बस टेढ़ी चली गई और काफ़ी बढ़िया थी ये भी।